हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, हम लोग काफ़ी समय के बाद करंट अफेयर का सेशन कर रहे हैं। मैंने कुछ महीनों के लिए करंट अफेयर का सेशन बंद करवा दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का एक तो कहर है और लॉकडाउन चल रहा था, जिसमें हम लोग की काफ़ी खबरें नहीं आ पा रही थी, ना इकोनॉमिक की, ना वर्ल्ड की और ना स्पोर्ट्स की। ठीक है, तो मैंने इसलिए करंट अफेयर का सेशन काफ़ी समय के लिए बंद कर दिया था। लेकिन मैंने आपको बीच बीच में कुछ क्लासेस प्रोवाइड करी थी, जैसे कोरोना वायरस के ऊपर, कि कोरोना वायरस कितने तरह के होते हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने बायोस लॉकर रूम और भी कई क्लासेस तरह की बनाई हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। और करंट अफेयर का सेशन मैं कहां से लेके आता हूं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बीबीसी वर्ल्ड, इन दो तीन खबरों जगह से मैं क्वेश्चंस लेके आता हूं, जिन्हें आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, और आप लोग भी आंसर करा करिए, एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर करा करिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, आप लोग उसका आंसर करिएगा। अभी हाल ही में इंडो चाइना की 14वीं मैराथन मीटिंग कहाँ हुई है? तो ये जो मीटिंग हुई है बेसिकली मॉल्डो में हुई है। कहाँ हुई है? मॉल्डो में, मॉल्डो। ठीक है, नाम ध्यान रखना है, मॉल्डो में जो हुई है इंडो चाइना की 14वीं मैराथन मीटिंग हुई है। कौन सी हुई है? 14th मैराथन मीटिंग। ठीक है, मैराथन मीटिंग हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी समय से, जब आप लोगों ने डोकलाम का मुद्दा सुना होगा, डोकलाम के बाद से, इसके बाद ये जो हुई है, ठीक है ना, मीटिंग, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये किस सेक्टर में है ये ध्यान रखना है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट का नाम है। ठीक है, मॉल्डो जो है पोस्ट है, चुसुल सेक्टर की पोस्ट है, चुसुल, नाम लिखना है, चुसुल, चुसुल सेक्टर है। ठीक है, और ये सेक्टर कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में, लद्दाख, लद्दाख रेंज में हमारी पाया जाता है, लद्दाख रेंज में जो है ये जो सेक्टर है ना, ये चुसुल सेक्टर पाया जाता है, चुसुल सेक्टर की पोस्ट है मॉल्डो। ठीक है, मॉल्डो में अभी क्या हुई है, इंडिया और चाइना की 14वीं मैराथन मीटिंग हुई है। ठीक है, भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, मैं आपको बता देता हूँ। भारत की तरफ से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। ठीक है, भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने, हरिंदर सिंह ने, ठीक ना, हरिंदर सिंह ने लीड किया था। और उनकी तरफ से किसने किया था, मेजर जनरल, मेजर जनरल ने क्या लीड किया था, ठीक है ना, और उनका नाम था लियो लिन, लियो लिन। ठीक है, तो भारत की तरफ से किसने किया था, हरिंदर सिंह ने लीड किया था, और ठीक है, इनकी तरफ से मेजर जनरल ने किया था। ठीक है, अच्छा, आप लोगों में लग रहा होगा कि कौन सी बड़ी पोस्ट है, तो ये बड़ी पोस्ट होती है। ठीक है, ये बड़ी पोस्ट होती है इन दोनों में से। अगर लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल की बात करूं, तो सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है, लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट होती है इन दोनों में से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, मैं अगर सबसे बड़ी पोस्ट का नाम बताता हूं, तो फील्ड मार्शल होता है, सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है फील्ड मार्शल। ठीक है, ये अलग से लिख सकते हैं आप लोग, मैं उसमें नहीं बता रहा हूँ। देखिए, ये सबसे बड़ी फील्ड होती है। अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूँ, तो इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी फील्ड कौन सी होती है, फील्ड मार्शल की होती है। फील्ड मार्शल से छोटी कौन सी होती है, जनरल की होती है। ठीक है, जनरल की होती है। ठीक है, जनरल से छोटी पोस्ट कौन सी होती है, छोटी जाती जा रही है। ठीक है, जनरल से छोटी पोस्ट कौन सी होती है, जनरल से छोटी होती है लेफ्टिनेंट जनरल। कौन सी होती है, लेफ्टिनेंट जनरल होती है। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल से छोटी पोस्ट कौन सी होती है, वो होती है मेजर जनरल होती है। कौन सी होती है, मेजर जनरल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे काफी, देखिए, बहुत सारी पोस्टें हैं। ठीक है, तो मैं आपको हायरार्की एक दिन बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, और कितनों कितने वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है, ठीक है, और इनकी रिटायरमेंट कब होती है, इनकी सैलरी क्या होती है, मैं सब पूरी हायरार्की बता दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे आप छोटा सा मैं आपको बताने के लिए ब्रीफ कर दिया था। ठीक है, चलिए, अभी तक सिर्फ इंडियन आर्मी में दो ही लोग हुए हैं जो फील्ड मार्शल हो पाए हैं। ठीक है, नहीं तो सब जनरल तक रह जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ दो लोग हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा, लेकिन इस क्लास में नहीं, क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, और मेरा बोर्ड थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसकी वजह से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोविड 19 को लेकर किस हॉस्पिटल पर FIR किया है। देखिए, ये न्यूज़ थोड़ी सी, मैं आपको आप सोचेंगे कि इस न्यूज़ को मैंने कवर क्यों किया है। कवर इसलिए किया है क्योंकि मुझे एक एक्ट बताना है इसमें। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा गया है, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोविड 19 को लेकर किस अस्पताल पर FIR किया है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है गंगाराम हॉस्पिटल। क्या नाम है? गंगा राम हॉस्पिटल। अब यहां पे ये एफआईआर क्यों की गई है, इस मुद्दे पे हम लोग चलते हैं यहां पे थोड़ा सा, ठीक है। बेसिकली एफआईआर इसलिए की गई है क्योंकि एक पर्सन ने यहां पे अपने कोविड 19 के तौर पर इस हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात कही थी। वो क्या था, वो पर्सन जो था वो कोविड 19 इन्फेक्टेड था, ठीक है, इन्फेक्टेड था, और उसने क्या किया, इस हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात कही, ठीक। अब यहां पे क्या है कि आप बोलोगे तो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो सकते, पर यहां पे दिक्कत क्या है ना कि अभी जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार मतलब जो अरविंद केजरीवाल सरकार है, दिल्ली सरकार बोले तो अरविंद केजरीवाल सरकार है, तो उन्होंने बोला है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ठीक है, वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत अपनी 20% जितनी भी बेड हैं वो खाली रखेंगे, किसके लिए, कोविड 19 इन्फेक्टेड पर्संस के लिए खाली रखेंगे, ठीक है। यहां पे मैंने अभी बोला है एपिडेमिक डिजीज एक्ट, यही अब क्वेश्चन बनता है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट। अब देखिए क्या है, इस यही एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अरविंद, दिल्ली सरकार ने क्या बोला है, दिल्ली सरकार ने बोला है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत जितने भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो अपनी कितने परसेंट सीट वैकेंट रखेंगे, 20% जो सीट है वो वैकेंट रखेंगे, और किसके लिए रखेंगे, कोविड 19 इन्फेक्टेड पर्सन के लिए रखेंगे। अब ये गंगाराम जो हॉस्पिटल है ये भी क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक। यहां पे क्या हुआ, जब ये पर्सन गया था गंगा राम हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर उससे बोला गया कि बेड अवेलेबल नहीं है, जितने बेड थे कोविड 19 के लिए वो सारे भर चुके हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर कहा कि हम आपको बेड दे देंगे लेकिन आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 2 लाख रुपीज़, ठीक है, 2 लाख रुपए की मतलब इन्होंने रिश्वत मांगी इस हॉस्पिटल ने, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट क्या कहता है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट क्या है, ये कब बनाया गया था, ये सबसे पहले बना था 1897 में, ठीक है, उसके बाद इसमें चेंजेस करके 2020 में इसमें फिर से कुछ चेंज किए गए, और जो अभी लेटेस्ट एक्ट है वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि किसी भी तरह से जो एपिडेमिक आती है तो उसमें किसी भी तरह से लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, जबकि यहाँ पे 2 लाख रुपए लिए गए थे, ठीक है। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल जो सरकार है वो गंगाराम हॉस्पिटल के ऊपर क्या कर रही है, एक तरह से एफआईआर कर रही है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे किसी पर्सन पे या फिर किसी हॉस्पिटल पे जब एफआईआर होती है एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत, तब क्या होता है, तब ये होता है कि भारत का जो आईपीसी सेक्शन 188 है वो उस पर लग जाता है, और उसके तहत उसको सजा मिलती है। सजा किसके तहत, मतलब सजा के लिए कौन सा सेक्शन लगता है, तो सजा के लिए जो सेक्शन लगता है वो सेक्शन लगता है सेक्शन 188 आईपीसी, ठीक है, इंडियन पिलियन कोड के तहत, ठीक, ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैंने अंदर तक बताया है लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा बताने का जो मतलब था वो ये था, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एचआरडी मंत्रालय को बच्चों का शैक्षिक कोर्स कम करने का आग्रह किया है। तो पूछा गया किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार आप लिख सकते हो, दिल्ली सरकार ने क्या किया है भाई, दिल्ली सरकार ने एचआरडी मंत्रालय को लिखा है कि जो है 30% जो कोर्स है वो कम कर दिया जाए, लेकिन जो 30% कोर्स है वो किन किन ग्रुप का होगा, मतलब क्या नर्सरी क्लास का होगा, जी नहीं, ये होगा 2 लोगों का, एक होता है माध्यमिक और दूसरा होगा उच्च माध्यमिक, मतलब इंग्लिश में जैसे बोलते हैं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। अब कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो हायर सेकेंडरी में आते हैं बेटा आपके 10+12 दोनों क्लास आते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी में आपके आते हैं कक्षा 6 से लेकर के 8 तक, ठीक। तो ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक मतलब सेकेंडरी मतलब माध्यमिक, और दूसरा हायर सेकेंडरी, उन दोनों के जो कोर्सेज हैं वो 30% कम किए जाएं, ऐसा दिल्ली सरकार ने बोला है, और एचआरडी मंत्रालय जो है उसको मान भी गई है।
यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि एचआरडी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? तो रमेश चंद्र पोखरियाल है। कौन है? रमेश चंद्र पोखरियाल, ठीक है। ये केंद्रीय मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। ये रमेश चंद्र पोखरियाल जो एचआरडी मंत्रालय कौन है, ये आपके केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है, यहां से ध्यान रखता है। अच्छा, अब दिल्ली सरकार में किसने बोला था कि भाई 30% जो है कोर्स कम कर दिया जाए, मतलब कोर्स को टोटल 70% तक रखा जाए? तो ये दिल्ली सरकार से करा था, मतलब किसने आग्रह किया था, ये था मनीष सिसोदिया जी ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनीष सिसोदिया जी ने ये ऐसा करने को बोला था, ठीक है। और मनीष सिसोदिया जी कौन है? ये है डेप्यूटी सीएम है, ठीक है, दिल्ली के कौन है? डेप्यूटी सीएम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसको मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। कब? 7 जून को, 7 जून को मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, फूड सेफ्टी। अच्छा, भारत में ये बताइएगा, फूड की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कौन सी संस्था है जो खाने की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखती है? बताइएगा आप लोग, मैं बताता हूं, FSSAI, ठीक है। ये जो संस्था है ये भारत में खाने की जो पैक्ड फूड होते हैं उसके खाने की गुणवत्ता और क्वालिटी, मतलब गुणवत्ता और हिंदी उसी को बोले तो क्वालिटी, उसको बनाए रखती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को पूछा जा सकता है, तो 5 जून को ध्यान रखिएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बोले तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है, या फिर इंग्लिश हिंदी में बोले तो कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा और उसका जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कहता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का फाइनेंशियल ईयर जो है 2021 में कितने प्रतिशत घाटे का अनुमान रखता है? जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, आपको पता होगा रियल एस्टेट सेक्टर है, उसका 2021 तक कितने प्रतिशत घाटे का अनुमान है? ये करीब है 12-16% तक, कितने हैं? 12-16% तक घाटे का जो अनुमान है, इतने प्रतिशत घाटे का अनुमान लगाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मैं राशि की बात करूं, ये 12-16% जो है वो समझ में नहीं आता, ठीक है, हमें सीधे सीधे राशि मालूम चलती है, तो राशि हो जाती है करीब तकरीबन 7 लाख करोड़, ठीक है, इतना बड़ा घाटा। अगर आपने भारत का इस साल का बजट देखें तो बजट कितना था? 30 लाख करोड़ का था, जब मार्च में हमारा हाँ, एक और मैं आपसे बहुत पूछना चाहता हूँ कि जो बजट सेशन है अपना, बजट सेशन होता है वो किस मंथ से लेकर किस मंथ तक चलता है? जो संसद में बजट सेशन चलता है, बजट सत्र बोले तो, किस महीने से लेकर किस महीने तक चलता है? या आप अभी लिखिएगा, 1 फरवरी से लेकर के कब तक? 28 फरवरी तक जो है वो अपना पूरा बजट सेशन चलता है, या 29 फरवरी जो होती है वो चलता है, ठीक है। यहां पे मैंने बजट सेशन बोला है, जो अपना क्या कहते हैं वित्तीय वर्ष है वो नहीं बदला है, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे वित्तीय वर्ष बोलते हैं तो फाइनेंशियल ईयर बच्चे चेंज नहीं हुआ है, फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष जो है हमारा वही है, कब से है? 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं बदला है, सिर्फ बजट सेशन जो होता है, जो हमारा क्या कहते हैं उसमें संसद में पार्लियामेंट में, वही केवल बदला है, ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना है। अच्छा, 7 लाख करोड़ का घाटा होने का अनुमान है, ठीक है, 2021 तक। अब यहां पे एक बात समझिएगा कि हमारा पूरा जो बजट है वो इस सत्र का, इस साल का टोटल कितना है? 30 लाख करोड़, ठीक है, और 30 लाख करोड़ में 7 लाख करोड़ तो ऐसे ही घाटे में जा रहा है,
ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। वैसे तो ये इस साल पूरा का पूरा ही बेकार हो गया है, क्योंकि इस साल ना तो आपका कोई भी GST का ज़्यादा कलेक्शन होगा और ना ही बहुत ज़्यादा नौकरियों में इनकम टैक्स से आप कोई उम्मीद रख सकते हैं और ना ही आप कोई कॉरपोरेट टैक्सेस से बहुत ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्सेस हमें बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और आगे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। नियर अबाउट 8 जून का पूछा गया आपसे, 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दो दिवस मनाए जाते हैं, एक वर्ल्ड ओशियन डे और दूसरा मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ठीक है। तो पहला मनाया जाता है आपसे वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे, ठीक है, ध्यान रखना है। दो दिवस मनाए जाते हैं 8 जून को, और दूसरा होता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। कौन सा? विश्व ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर डे। अच्छा, यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, दो दिवस मनाए जाते हैं तो दोनों दिवस किस लिए मनाए जाते हैं? अच्छा, वर्ल्ड ओशियन डे किस लिए मनाया जाता है? भाई ये विश्व महासागर दिवस किस लिए मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि देखिए जो महासागर है वो भी एक प्राकृतिक संपदा है, तो इसकी सेफ्टी के लिए और इसकी सिक्योरिटी के लिए, मतलब आप लोग जो बेसिकली कचरा वचरा फेंक देते हैं, ठीक है, नदियों में, नदियों से कहाँ जाता है, नदियों नालों में फेंकते हैं, तो नदियाँ नाले कहाँ जाते हैं, नदियों में, नाले कहाँ जाते हैं, नदियों में जाते हैं, और नदियाँ कहाँ जाती हैं, वैसे ही ओशन में जाती हैं, तो ओशन भी खराब होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसकी भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, अक्सर लोगों में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, तो उसके अवेयरनेस के लिए, और कैसे होता है ये, इस चीज़ के अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखते हैं आप लोगों को। चलिए, जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट डे हैं वो आपको मैं ज़रूर कराऊंगा, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं भी डे हैं वो भी मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य अक्सर नहीं किसी को पता होता है, संप्रीति नाम की एक युद्ध अभ्यास होता है जो दोनों देशों के बीच में होता है। तो ध्यान रखिएगा, संप्रीति, संप्रीति नाम की एक युद्ध अभ्यास होता है जो दोनों देशों के बीच में अक्सर होता है, मतलब क्या बोलें, हर साल होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने बांग्लादेश की बात करी, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वह कौन है इस समय बांग्लादेश की? तो बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? शेख हसीना जी हैं, शेख हसीना जी है, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, इससे पहले भी ये थी, ठीक। दूसरी बात करते हैं, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की जो राजधानी है, अगर मैं राजधानी की बात करूं तो ये है ढाका, ढाका है, इंग्लिश में इस तरह से लिख लीजिएगा ढाका, ठीक है। और मुद्रा क्या है? मुद्रा या करेंसी की बात करें तो करेंसी है टका, करेंसी है टका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शेख हसीना कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए और इसका आंसर हम लोग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरा है? मतलब आपको मैं बात बताता हूँ, देखिए अमेरिका में, जैसे भारत में बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं होता, अमेरिका में सिर्फ दो पार्टियाँ होती हैं, और पहली पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, और दूसरी है रिपब्लिकन, रिपब्लिकन, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी है। अब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कौन मैदान में उतर रहे हैं? भाई डोनाल्ड ट्रंप उतर रहे हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, तो ध्यान रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं हो रही है, अभी ये तो अपने आप पहले ही से ये नामांकित हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी की बात हो रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कौन अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन हुए थे? जो बिडेन हुए, जो बिडेन, नाम ध्यान रखना है, जो बिडेन हुए, ठीक है। अच्छा, जो बिडेन के बारे में मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि जो बिडेन जो हैं वो पहले भी अमेरिका के क्या हो चुके हैं? राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 2009 से लेकर के और 2016 तक, ठीक है। ये बेसिकली इस सत्र में क्या रह चुके हैं? अमेरिका के उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मैं बात बता देता हूँ कि यह मैंने इतनी बड़ी बात क्यों बोली कि ये नॉमिनेटेड हुए, इसमें क्या खास बात है?
तो देखिए क्या होता है, हर पार्टी में, चाहे इस पार्टी में हो और चाहे इस पार्टी में, ठीक है, दोनों के अंदर पहले एक, दोनों के अंदर भी भिड़ंत होती है। जैसे इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी में जो बिडन के साथ में जो घमासान कर रहे थे वो बर्नी सैंडर्स थे, ठीक है, बर्नी सैंडर्स। तो यहां पे नाम लिख देता हूं, बर्नी सैंडर्स जो है, इनकी और इनकी दोनों की भिड़ंत हो रही थी किसके लिए, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। तो इनमें से ये जीत गए थे, ठीक है, इनमें से जब भिड़ंत हुई थी तो इन दोनों में, तो ये जो है वो यहां से कहते हैं मेजोरिटी पा गए थे। तो अब ये डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये लड़ेंगे और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ ऐसा नहीं होता है, अपने यहाँ क्या होता है, जो ज़्यादा दिखता है टीवी पर उसी को उठा करके सीधे बना देते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पहले आपको पार्टी के अंदर जीतना पड़ेगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर का सेशन यहीं रखता हूँ, उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।